तो डायनकुंड पीक पहुंच गए। जाना है बाइक लेके, अलाउड नहीं है बाइक लेके जाना, फिर ना कार ना बाइक कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ आपको पैदल ही जाना है। यहाँ से 5 किलोमीटर है, चलते हैं। जो रास्ते में पड़ेगा मैं दिखाऊंगा मैं आपको। कितने किलोमीटर आए आगे? करीब 1.5 से 2 किलोमीटर करीब आ गए। अब थोड़ा सूरज दिखाई दिया, थोड़ी गर्मी आई बॉडी में, और ओ वहाँ से आए पीछे से, अभी और आगे जाना है, ओ वहाँ तक जाना है, चलते हैं। अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा धूप में गर्म हुए, थोड़ी देर खड़े हुए यहाँ पे। और चलते चलते हम यहाँ पे एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग या रिवर कह सकते हैं, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग ही है। ये देखो सारी ये फ्रिज हुई है, पानी सब जमा हुआ है इसमें, ये आगे तक वहाँ जा रही है, ऐसे निकल के इधर जा रही है। पानी आ रहा है, बिल्कुल पानी आ रहा है, पानी आ गया यार इतनी ऊंची हाइट पे आके। और फिर यहाँ पे देखो नल भी लगा रखा है इन्होंने, बोरिंग भी किया होगा, उसका चैनल चलाया था, उसमें पानी भी आ रहा है, छोटा सा वाटर क्रॉसिंग भी है। पानी चेक कर आकाश कैसा है? एक मिनट रुक जा, चला हुआ चेक करता हूँ। हाँ नॉर्मल से नॉर्मल ठीक है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, जितनी बर्फ़ ठंडी उससे तो कम ही ठंडा है, शायद थोड़ी देर चलाने के बाद और गर्म आ जाएगा नीचे से निकल के। 3 किलोमीटर के बाद अब दिखाई दिया है कुछ, शायद वहाँ जाना है। करीब 4 किलोमीटर तो हम लोग आ गए हैं सड़क सड़क से। अब इसके बाद यहाँ से ये बता रहे हैं कि ये रास्ता ऐसे जाना है, कुछ लोग आगे जा भी रहे हैं, बता रहे हैं कि ऊपर काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, ऐसे पैर स्लिप हो रहा है, आकाश ऊपर खड़ा हुआ है, देखते हैं कैसे जाना है। अभी तो चलता हूँ ऊपर जहाँ तक तो जा सकता हूँ। बॉय जैकेट उतार दी, चढ़ते चढ़ते गर्मी आ गई, थोड़ा सा ऊपर और रह गया था, 700-800 मीटर हुआ करीब ऊपर, पर कोई मतलब बनता नहीं वहाँ जाने का, क्योंकि जो भी रास्ते और पौड़ियाँ उन्होंने बना रखी हैं सीढ़ियाँ वगैरह, उन पर सारे पर बर्फ़ जमी हुई है। उसमें 2 घंटे लग गए चढ़ते चढ़ते, और वो भी कम्प्लीट नहीं चढ़ पाए। रास्ते में खैर व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, और बर्फ़ पूरी पड़ी हुई है यहाँ पर, एकदम आना तो बस पैसा वसूल है यहाँ पर आना। आप कभी आओ तो ऊपर तक जाना, हम भी शायद कभी मौका मिलेगा तो ऊपर तक पहुंचेंगे एक दिन, वहां जाएंगे, दिखाता हूं मैं कहां। वो देखो वो एक दिन वहां भी पहुंचाना है, अभी आएंगे तो, पर अभी तो सारा दिखाई दे रहा है, देखो ये सारा पूरी बर्फ़ जमी हुई है वहां पे, कोई मतलब बनता नहीं जाने का। चलो अब घर लौटते हैं।